Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Pal. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एक आइडियल स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए फॉर दोज ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर वर्किंग फ्रॉम 9 AM टू 5 PM. ऑल्सो ये वीडियो उन लोगों के भी एप्लीकेबल है जो लोग घर पे रहते हैं, काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए भी, इफ़ दे आर एस्पायरिंग टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021, फिर आपको ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके पास वक्त नहीं होता. देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, नहीं पढ़ाई कर सकते. तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में हम आज का ये वीडियो बनाएंगे. बिफोर वी स्टार्ट विद आवर वीडियो, लेट मी टेल यू ऑल, हम आगे आने वाले जो भी हमारे स्टडी लेक्चर्स हैं उनके आपको अगर नोट्स चाहिए हो इन PDF फॉर्मेट, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ऑल्सो अगर आप ग्रुप लिंक के थ्रू आप ग्रुप नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो देन जस्ट गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. आप सर्च बार पे जाके सिंपल कंसेप्ट नाम से सर्च करो, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा आसानी से. ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हमारे और इफ़ यू वॉन्ट अस टू कंटिन्यू विद सच लेक्चर्स, डू आपका जो आपके कमेंट्स होते हैं वैल्यूएबल वो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. सो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं. ये तो बात सही है कि हम टाइम टेबल तो भाई हम बना ही लेंगे, बट बिफोर दैट वो फॉलो नहीं कर पाने के क्या क्या रीजंस होते हैं ये देखेंगे. क्योंकि हमने बहुत ज्यादा देखा होगा आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप टाइम टेबल क्रिएट करते हो, इन स्पाइट ऑफ दैट हम वो फॉलो नहीं कर पाते. तो भाई वो ऐसा क्यों होता है ये जानना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अब देखेंगे कौन कौन से डिफिकल्टीज आते हैं. सबसे पहले आज के जमाने में मैं कहूंगी इन 2020 सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो फोन एंड उसके आने वाले नोटिफिकेशन. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज हम लोग बहुत इजी प्ले स्टोर पे आपको बहुत इजीली ऐसे एप्स मिल जाएंगे जैसे कि कोल्ड टर्की हो गया या फिर ऑफ टाइम ऐप हो गया. ऐसे एप्स आपको मिल जाते हैं जिसमें से आपके आपका फोन कंप्लीटली लॉक हो जाता है. इफ यू कैन नॉट डू इट तो मेक श्योर कि आप जिस रूम में आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो उससे दूर जाके फोन रखो या फिर पुट इट ऑन साइलेंट मोड एंड मेक श्योर यू डू नॉट टच दैट. होता यह है कि हमको बहुत ज्यादा इच्छा होती है 5-5 मिनट में हर बार चेक करने की हमारा फोन. दैट क्लियरली स्टेट्स कि हम लोग हमारे फोन के लिए एडिक्टेड हैं. तो ऐसा अगर एडिक्शन आपको है तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि आप अपने स्टडी पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए. सेकेंड फैक्टर होता है स्टडी एनवायरमेंट. अब होता यह है कि हम हो सकता है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा शोर हो, ट्रैफिक की आवाज हो या फिर कोई बच्चा रो रहा है, क्या हो रहा है, कोई ट्रैफिक मतलब बहुत ज्यादा शोर है, किसी का DJ बज रहा है. तो जब ऐसी चीजें होती हैं तब हम हमारे स्टडी पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करें. अभी तो खैर इश्यूज चल रहे हैं एज इन COVID-19 का सिचुएशन है तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू ऑल टू आप कि आप घर से बाहर जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और उसी घर में आप चार दीवारों के बीच आप कैद करके खुद को रखे हो. तो ऐसे में स्टडी एनवायरनमेंट मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो देन व्हाट यू कैन डू इज आप अपने घर वालों को जो भी आपके साथ रह रहे हो, आपका रूममेट्स हो गए आपके या फिर आपके घर वाले, मेक श्योर दैट यू टेल देम कि ये टाइम है कि जहां पे मुझे डिस्टर्ब करना आपको अलाउड नहीं है. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज स्ट्रेट अवे आप यूट्यूब पे जाइए, स्टार्ट सर्चिंग फॉर वाइट नॉइज, वो आप अपने हेडफोन्स प्लग इन करिएगा, स्टार्ट विथ योर स्टडीज. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताऊंगी कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. अगर आपको इच्छा है कि आपको पढ़ाई करनी है तो देन नथिंग कैन स्टॉप यू. आप हमेशा कोई ना कोई आप उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन आप ढूंढ ही लोगे. नेक्स्ट होता है कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि हम 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर ऐसा हेक्टिक एनवायरमेंट होता है कि हमारा पीस ऑफ माइंड हम मेंटेन नहीं कर पाते. इन सच मोमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ट्राई फॉर सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. मैं ये नहीं कहूंगी कि हर इंसान के लिए वो स्पेसिफिक सिमिलर होता है, बट फॉर मी आई कैन ट्राई फॉर मेडिटेशन. कोई और लोग होंगे जिनको गिटार बजाना पसंद होगा या फिर किसी को डांस करना पसंद होगा. फाइंड योर ओन स्पिरिचुअल एक्टिविटी. हाँ, मैं डांसिंग या फिर सिंगिंग को भी मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी इसलिए कहूंगी क्योंकि आपका जो स्पिरिट है वो एक पीस मेंटेन कर सकता है, आपकी माइंड पीसफुल हो सकती है. अगर ऐसी कोई चीज है आपके यहाँ तो आप जरूर उसको ट्राई कीजिएगा. फॉर मी मेडिटेशन वर्क्स अ लॉट और म्यूजिक फॉर दैट मैटर वर्क्स अ लॉट फॉर मी. तो आई वुड ट्राई दैट एंड काम माई सेल्फ डाउन. मैं बस ये सोचूंगी कि अभी के लिए ये जो चीजें अभी चल रही है दिस शैल पास.
जो अभी जो टेम्पररी जो कोई डिफिकल्टीज आ रही है मेरी लाइफ में वो तो थोड़े दिन में हट जाएंगी, बट लॉन्ग टर्म अगर आप सोचने के लिए अगर आप देखो तो दिस पीस ऑफ माइंड सर्व्स अ वेरी यूजफुल पर्पज फॉर यू। अगर आप जब आप जॉब में भी ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी सिविल सेवा में भी जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो दिस फैक्टर वर्क्स अ लॉट। आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आएगा या फिर ऐसे कोई सिचुएशंस आएंगे, इमोशनल बर्डन होगा आप पे और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे या फिर आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाएगी अगर आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन ना हो तो। फिर आते हैं आपके अदर डिस्ट्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, लैपटॉप या फिर कोई नॉवल पढ़ा है, कोई किताब पढ़ी है, वो आपको इच्छा होती है कि भाई वो हम पढ़ेंगे अभी या फिर अभी वो फिनिश करेंगे, कोई टीवी सीरीज है वो देखेंगे उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। बट लेट मी टेल यू ऑल, वर्किंग एस्पिरेंट्स अगर आप हो तो आपके पास एक तो टाइम बहुत ही कम होता है। मैं यहाँ पे टाइम कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क आपका मुकाबला जो होता है वो ऐसे लोगों से होता है जो ऑलरेडी सेवा में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स भी ट्राई करते हैं सेवा में जाने के लिए वापस से, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर रैंक, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो जस्ट ग्रेजुएट पास आउट है, उनके पास बहुत ज्यादा वक्त रहता है। तो उनको उनके साथ बैटल करने के लिए, उनको कंपटीशन देने के लिए आपको ये अदर डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आपकी लाइफ में वो आपको हटानी चाहिए। देन देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। होता यह है कि हम 9 to 5 जॉब करते हैं, दिन भर थके हारे होते हैं और फिर हमारा माइंड वर्क करना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। सो यहाँ पे मोटिवेशन आपका एक्चुअली वर्क करता है। आपका मोटिवेशन आपको सुबह उठ के उसकी जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन की जरूरत तब होती है जब आपको पता है आपका दिन पूरा मतलब गंदा सा गया है, आपके बॉस ने आपको डांटा है या फिर कुछ वर्कलोड ज्यादा हुआ है या फिर आपको इमोशनल बर्डन्स आपके ऊपर ज्यादा है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप अपनी जो आपके टारगेट्स हैं उन पे आप डटे रहो तो हो सकता है कि आपको इस सेवा में जाने के लिए आपकी वो माइंडसेट तैयार हो जाती है। अगेन देर इज दिस वन कोट जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंशन करना चाहूंगी जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और वो है दैट विच डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हमेशा हमको ये मानने हमेशा ये माइंडसेट होनी चाहिए हमारी कि हाँ भाई ये चीज अगर मुझको खत्म नहीं कर सकती तो ये मुझे चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना सकती है। अगर ये पॉजिटिविटी अगर हम अपने अंदर लेके आगे हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स इस सेवा में हमारा पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कौन कौन सी गुड स्टडी हैबिट्स होती हैं फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट अ टाइम टेबल। हमने यहाँ पे खुद का टाइम टेबल खुद मेंटेन करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि 9 to 5 भाई आपका जॉब है तो आप सुबह उठ के ये करो, आप शाम को आकर ये करो, नहीं मैं वो नहीं कहूंगी। और इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप भले ही किसी भी टॉपर्स के आप टाइम टेबल देखो, ये देखो, फलाना देखो, हर टॉपर का टाइम टेबल अलग होता है क्योंकि वो ऐसा माना जाता है ना कि हर इंसान अलग होता है, अपनी यूनिक तरीके होते हैं हर इंसान के पास। तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप खुद को आपने देखना चाहिए, वेदर यू आप नाइट ऑल हो या फिर आप अर्ली बर्ड हो, उस प्रकार से आपको अपना स्केड्यूल जो है वो फिक्स करना चाहिए। नाउ हियर कम्स अगेन, मैंने जिस जो पॉइंट मेंशन किया था लास्ट स्लाइड में, टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास बहुत ज्यादा होता है। 9 to 5 आप जॉब करते हो तो आपके पास वक्त कैसा बचता है? जो आप सुबह जल्दी उठ के वो आपके पास वक्त बचता है और बाद में फिर घर आने के बाद जब आप थोड़ा रिफ्रेश होते हो या फिर आप अभी तो खैर कोविड सिचुएशन चल रहा है तो आपका वक्त काम खत्म होने के बाद जब आप थोड़ा रिफ्रेशिंग टाइम खुद के लिए लेते हो मी टाइम, और उसके बाद का जो वक्त होता है टिल 12 या फिर टिल 11 मैं कहूंगी, वो टाइम आपके लिए यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें ये टाइम यूटिलाइज करने के लिए हमने ये चीज पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम अपना ब्रेक्स यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेक से मेरा मतलब है कि आप किस जब आप पढ़ाई करते हो थोड़ा वक्त जब आपको थकान होती है तो आप वो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो वो ब्रेक में आप क्या करते हो वो यहाँ पे जरूरी होता है। वेदर आप उस ब्रेक में आप कोई टीवी सीरीज देखते हो, भाई आप 5 मिनट का आप सोचोगे कि मैं 5 मिनट में ये तो 5 मिनट में बंद कर लूंगा या बंद कर लूंगी, पर होता यह है कि कभी कभार वो 2 घंटे कैसे हो जाते हैं हमें ही नहीं पता चलता। बाद में हम आते हैं कि अरे 2 घंटे तो कब के खत्म हो गए मेरे, अब क्या आप मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, तो ये ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ब्रेक्स कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप अपना ब्रेक मैं एग्जांपल दे दूंगी, आप ब्रेक अपना इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि यूट्यूब से आप दूर रहिएगा थोड़ा
देर, क्योंकि YouTube पे एक वीडियो आता है उसके बाद अनदर वीडियो फिर अनदर वीडियो, तो वो साइकिल फिर कंटिन्यू रहती है. सो स्टॉप यूटिलाइजिंग योर ब्रेक बाय सीइंग, आप YouTube वीडियोस देख के अपने ब्रेक स्केड्यूल मत करिएगा. अगर आप YouTube वीडियोस देखते भी हो तो मेक श्योर यू वॉच सम मोटिवेशनल वीडियो. नीचे आने वाले जो रिकमेंडेशंस हैं उनके तरफ ध्यान ना जाए इसकी पूरी की पूरी कोशिश कीजिएगा. नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अब क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, हमारे पास वक्त कम होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का हम फुल यूटिलाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हिंदू पढ़ने के लिए उतना ज्यादा वक्त नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, हम एडिटोरियल्स जो है इम्पोर्टेंट वो हम पढ़ेंगे पहले, उसका क्रक्स हम समझेंगे सो दैट हमारा ओपिनियन बिल्डअप फॉर्मेशन अच्छा हो, और बाकी के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो हम कैसे कवर करेंगे, हम कोई वीडियो देखेंगे या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे, आजकल तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट्स पे जाके आप उनका जिस्ट आप निकाल के अपने नोट्स आप खुद बना सकते हो. अगेन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द लोग अभी कुछ लोग ट्रैवल भी करना शुरू कर रहे हैं, कोई ग्रीन जोन्स है या फिर ऐसे लोग ट्रैवल करना आप शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर ओन व्हीकल यू कैन बुक फॉर एन ओला या फिर उबर आप बुक कर सकते हो. और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन जस्ट प्लग इन योर हेडफोन्स और आप कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हो. होते हैं ना मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो आपको दो दो मिनट में आपको कंसेप्ट आपका क्लैरिटी करवाते हैं, तो वो वाले लेक्चर्स सुन के आप बार बार जब वो लेक्चर्स सुनोगे तब एक आपके माइंड में दिमाग में आपके वो पॉइंट्स बैठ जाएंगे. फिर आप जब आप अपने जॉब पे जाओगे तो विद इन 5 or 10 minutes आप अपने नोट्स बना सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर वर्क. अगेन योर पावन एप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका दिन बहुत ज्यादा टायरिंग जाता है. जब आप रिटर्न आते हो आपके घर से, आपके घर के पास, तो आप क्या करोगे, आप पावर नैप लोगे इन वाइल यू आर इन ट्रांसपोर्ट. ये आपको आपकी माइंड रिफ्रेश करने में हेल्प करेगा. देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड ग्रुप डिस्कशंस. अब आप खैर आप फेस टू फेस आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्रुप्स बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप. तो इन ग्रुप्स में डिस्कशन करने का आप अवॉइड करो. होता यह है कि उनमें से बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, मैं तो कहूंगी ना के बराबर होता है, बट आपका जो वक्त जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. सो मेक श्योर यू डोंट फॉल इन दोज ट्रैप्स. नाउ गोइंग ऑन टू द गुड स्टडी हैबिट नंबर 2, मैं किसे कहूंगी, वो ये है क्रिएट एंड राइट डाउन रियलिस्टिक स्टडी गोल. आप किस प्रकार से रियलिस्टिक स्टडी गोल करोगे, ये नहीं कि भाई मैं लक्ष्मीकांत जो है 1 महीने में खत्म करूंगा या फिर 15 दिन में खत्म करूंगा. अगर आप चाहो तो खैर हो भी सकता है, बट अगेन आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा. सो व्हेन यू डू यूजुअली, सो आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक रियलिस्टिक स्टडी गोल. वो ये है व्हेन डू यू यूजुअली स्टडी एंड फॉर हाउ लॉन्ग. आपको खुद को तराशना जरूरी है. अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग वो तो मानते हैं कि हाँ भाई चलो हम 5-6 घंटे पढ़ाई करेंगे आफ्टर हम अपना जो 9 to 5 जॉब करने के बाद, बट वो होता नहीं है. होता यह है कि उनके 1-2 घंटे ऐसे ही बर्बाद होते हैं किसी को घूरना या फिर खाली किताब को ही घूरने में हम लोगों का वक्त बर्बाद होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने ये चीज अपने आप में नोटिस करी है. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट आप देखो, आप ये माइंड में अपनी फिक्स करो दैट इट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा वक्त एक जगह पे बैठते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से स्टडी करते हो. अगर आप खाली 5-6 घंटे अगर आप एक जगह पे बैठे रहोगे तो इट विल डू नथिंग, बट आपका जस्ट माइंड आपकी टायर हो जाएगी, आपको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा. देन Do you find that is effective? मतलब कि जब आप पढ़ाई करते हो, try getting short test. वो जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेगा. अगर आपको ये लगता है कि आप वो क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, that clearly means कि आपकी जो पढ़ाई की मेथड है वो कहीं ना कहीं गलत है. तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे टॉपर्स को फॉलो करने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता. आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई गिविंग सम मॉक टेस्ट विच विल हेल्प यू एनालाइजिंग योर माइंड. आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो एंड आफ्टर दैट यू कैन चेंज योर स्टडी मेथड्स. देन कम्स वॉट आर योर पर्सनल कमिटमेंट्स एंड प्रायोरिटीज. अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि हाउसवाइफ्स होती हैं, कुछ लोगों के बच्चे होते हैं, उनकी कमिटमेंट्स होती है, या फिर किसको अपने पेरेंट्स को वक्त देना होता है, फिर और भी रिलेशंस होते हैं उनको वक्त देना होता है. नाउ मेक श्योर योर पर्सनल कमिटमेंट्स एंड प्रायोरिटीज डू नॉट कम इन बिटवीन योर गोल. कि आपके अगर माना कि आपके रिलेशंस भी हैं बट देन आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है वो आपको तय करनी है. अगर आपकी प्रायोरिटी वो रिलेशंस है तो खैर आपका सिविल सर्विसेज आपकी प्रायोरिटी तब नहीं बन सकती. मेक श्योर वट एवर थिंग यू आर इन, मेक श्योर दैट दैट थिंग इज हेल्थी और वो आपको आपका गोल अचीव करने में आपको वो लोग मदद करें ना कि आपको पीछे हटाएं.
अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ द स्मार्ट मेथड व्हेन सीइंग अप गोल दैट इज सेट अप स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अचीवेबल एंड रेलेवेंट टाइम बाउंड गोल। ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मैं एक जो सब्जेक्ट है वो एक 15 दिन में मैं खत्म कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आप बस खुद को प्रेशराइज कर रहे होते हो, उससे बेनिफिट आपको 1% भी नहीं मिलता। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर सेटिंग अप सम गोल्स तो आप वो रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो और मेजरेबल हो। ऐसा नहीं कि हवा में आप वो गोल्स लिख डालो और वो खत्म जब नहीं होते, वो गोल्स कंप्लीट नहीं होते, तो अगेन आप फिर डिप्रेस्ड रहते हो, यू फील दैट यू आर गुड फॉर नथिंग एंड दैट विशियस साइकिल कंटिन्यूज। तो मेक श्योर यू सेट सच अ टाइम टेबल जो अचीवेबल हो। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर सकते हो टू पुश यू टू द लिमिट्स, बट मेक श्योर दैट वो एकदम अनरियलिस्टिक ना हो। स्पीकिंग अबाउट गुड स्टडी हैबिट नंबर 4, इट इज हाउ टू स्ट्रक्चर योर डेली स्टडी रूटीन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप होता यह है कि हम किसी टॉपर्स को देखते हैं, उनका मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं, हो सकता है उस टॉपर को जॉब ना करना पड़े या फिर उसको कोई घर का काम ऐसे सच कुछ नहीं करना पड़े, तो क्या आप उस कैटेगरी में फॉल होते हो दैट यू कैन फॉलो दैट टाइम टेबल? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग बहुत ज्यादा सारे के सारे लोग यूनिक है, मोस्ट ऑफ द लोग हमारे सर्विसेज में होंगे, तो उनके लिए वो लोग क्या करेंगे कि वो अपना रूटीन खुद बनाएंगे। आप अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं या फिर नेगेटिव चीजें हैं वो आप जान के फिर बाद में अपना स्टडी रूटीन बनाओगे। स्टार्ट विद डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स फर्स्ट। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ईटिंग द फ्रॉग्स फर्स्ट। अगर आपको ये लगे कि भाई ये तो डिफिकल्ट टॉपिक है और मैं इसको एंड ऑफ द डे में रखूंगी या फिर रखूंगा, तो ऐसा नहीं होता। लास्ट एंड में जब आपकी श्रद्धा बिल्कुल भी खत्म हो जाती है पढ़ाई करने की, तब आपके पास इजी टॉपिक्स होने चाहिए सो दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर स्टडीज इवन आफ्टर यू गेट टायर्ड। बट वेन आप अपना दिन जब आप शुरुआत करते हो, तो मेक श्योर यू स्टार्ट विथ ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे समझने में या फिर आपको बोरियत आ जाए वो पढ़ाई करने में। Now, if these subjects are really difficult for you, then shorter study session will work better. कि आपको सच में लगता है कि भाई इकोनॉमी है या फिर पॉलिटी है, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है ये चीजें समझने में, तो आप क्या करोगे, आप उसको शॉर्ट ब्रेक में आप उसको डिवाइड करोगे कि आज के दिन मैं बस ये कंसेप्ट लर्न करूंगा या फिर करूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर लेसन लर्न करूंगी, बट ये कंसेप्ट मैं लर्न करूंगी, तो आफ्टर दैट आई विल टेक अ ब्रेक या फिर मैं खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करूंगी या फिर करूंगा, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद अनदर चैप्टर या फिर अनदर कंसेप्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे होता यह है कि आप खुद को मोटिवेट करते रहते हो, और एज एन वेन आप छोटे छोटे जब आप स्टेप्स लेते हो, देन यू कैन सर्टनली रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट। फिर अगेन यहाँ पे पोमोडोरो मेथड बहुत ज्यादा वर्क करेगी आपको। 25 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, या फिर 50 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। बिलीव मी, दिस पर्टिकुलर मेथड इट वर्क्स वंडरफुल, एटलीस्ट इट वर्क फॉर मी, सो आई होप आपके लिए भी ये वर्क करेगा। देन क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, यूट्यूब वीडियोस क्या आप देखते हो या फिर आप कोई टीवी सीरीज देखते हो अपना ब्रेक स्केड्यूल करने के लिए? नहीं, डोंट डू सच थिंग्स। वॉच सम मोटिवेशनल वीडियोस, और अगर आपको ये भी आपको पॉसिबल नहीं है, देन मेक श्योर देन यू कैन गो फॉर 5 पुशअप्स, 10 पुशअप्स, व्हाटएवर। ऐसा कुछ करो कि आपको वापस से आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन आ जाए, या फिर एटलीस्ट इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग, जस्ट स्टेयर एट योर गोल जो आपने आपके हो सकता है आपके अपने दीवार पे लगाया हो या फिर डोर के पीछे लगाया हो, एटलीस्ट स्टेयर एट दैट गोल सो दैट जो पिक्चर होगी या फिर कुछ भी आपने लगाया रहेगा तो उसको स्टेयर करते रहो। मेक श्योर दैट यू गेट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दैट। मूविंग ऑन टू गुड स्टडी हैबिट्स 5, एस्टैब्लिश योर स्टडी जोन्स। जैसे कि मैंने कहा है, अभी लॉकडाउन पीरियड होगा तो मोस्ट ऑफ द लोग घर पे रह के वो अपनी पढ़ाई अपना काम कर रहे होंगे, तो एस्टैब्लिशिंग योर स्टडी जोन्स मीन्स डोंट बी अफ्रेड टू एस्टैब्लिश रूल्स व्हेन यू आर इन योर स्टडी जोन। आई हैव मेड श्योर कि मैंने ये पूरा का पूरा लिखा हो ताकि आप अच्छे से पढ़ के अपने माइंड में फिक्स करो। आई कुड हैव रिटन बुलेट पॉइंट्स बट पर्पजली मैंने ये पूरी लाइन लिखी। लेट पीपल लिविंग विथ यू नो दैट व्हेन योर डोर इज क्लोज इट मीन्स यू डू नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड। ट्राई नॉट टू रिस्पॉन्ड टू फोन कॉल्स और टेक्स्ट, दिस विल ब्रेक योर कॉन्सेंट्रेशन एंड यू विल लूज योर फोकस। आपके घर पे जो लोग हैं, मेक श्योर कि उनको भी पता हो कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में, हो सकता है आप मान सकते हो 7 से 11 बजे तक आपको डिस्टर्ब करना उनको अलाउड नहीं है। तब कहीं जाके जब आप खुद के लिए स्टैंड जब आप ले पाओगे, तब कहीं ना कहीं आप
आपको होप आ सकता है कि आप इस परीक्षा में आप क्लियर हो भी सकते हो, और उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग आएगी तब आप उसी डिटर्मिनेशन से अपनी सर्विसेज कैरी आउट कर सकते हो। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ नॉर्मल फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नो हैवी मील्स। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा घी से बना हुआ, या फिर ऐसा कुछ जो बहुत ही, जैसे कि व्हाइट राइस हो गया, हैवी मील आप अवॉइड करो। मेक श्योर यू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन इनटेक आप ले लो, फैट इनटेक ले लो, बट कार्बोहाइड्रेट्स आप इनटेक जो है वो थोड़ा सा कम लो, है ना। व्हाट इसके बाद होगा कि आपको लेथार्जी जो होगी वो नहीं फील होगी। देन स्केड्यूल सम शॉर्ट वॉक्स आप कर सकते हो आपके घर में, इधर उधर, या फिर गैलरी में, या फिर बालकनी में आप कर सकते हो, सो दैट यू कीप अप विथ योर मोटिवेशन हाई। देन कम्स हियर कम्स द टॉपिक, रिव्यू योर नोट्स। इससे पहले आपको नोट्स बनाना, रिव्यूइंग से पहले आपको नोट्स बनाना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोज में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स, या फिर आप, मैं कह सकती हूँ, माइंड मैप आप बना सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में गाइज हम लोग इसी प्रकार के माइंड मैप स्टडी करेंगे। मैं आपको PDF फॉर्मेट में वो माइंड मैप्स दे दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगी वो सारे के सारे नोट्स। तो हियर इज एन एग्जांपल, इंडियन पॉलिटी जब आप कंसीडर कर सकते हो, तो यूनियन, स्टेट, फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन आता है। मैंने मेरी पिछले वीडियोस में ये पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो यू कैन गो फॉर दोज वीडियोस एंड चेक आउट कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। ये तो खैर बस थोड़ा एग्जांपल के तौर पर आपको लिखा था। नाउ एंड सबसे यहां पे आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट इनफ स्लीप एंड रेस्ट। पढ़ाई के चक्कर में हम कई कबार अपनी एक अच्छी तरह से वो वाली नींद हम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई चलो 6 घंटे की बजाय मैं 5 घंटे ले लूंगा नैप, और फिर वो 1 घंटा है वो पढ़ाई में लगा लूंगी। बट होता ये है यहाँ पे कि जब आप वो 1 घंटा जब आप सेक्रीफाइस करते हो, आपके रिमेनिंग जो 5-6 hours आपने अपने स्टडी के लिए डेडिकेटेड रखे हैं वो भी एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। आपका मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होता, आपके फैक्ट्स आपके माइंड में, मेमोरी के इशू होता है, आप याद रखने में आपको इश्यूज होते हैं, फिर टू रिप्रोड्यूस देम इन योर जो आपके नोट्स होते हैं वहां पे भी आपको डिफिकल्टी होती है। तो मेक श्योर भले आप 2-4 घंटे एक्स्ट्रा सो लो, बट मेक श्योर दैट योर ब्रेन गेट्स इनफ रेस्ट, एंड देन यू कैन, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तब आपको कोई ज्यादा, मतलब इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो गाइज आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको दी हैं वो आपको हेल्पफुल रही होंगी आपका स्टडी रूटीन बनाने के लिए। मेक श्योर दैट यू हिट दैट बेल आइकॉन ताकि आपको हम आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो आपके दोस्त जो हैं वो वर्किंग एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, उनको अगर नहीं पता कि किस प्रकार से हम खुद को मोटिवेट रखें, तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड लेट एवरी वन गेट हेल्प आउट ऑफ दिस, एंड लेट अस ऑल स्प्रेड दिस वर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग इन टू दिस लेक्चर। बाय बाय।